समय चिपलून से दिखा रहे हैं कि एक तरफ नारायण राणे के समर्थक हैं, वो पुलिस का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, नारायण राणे अपनी निजी गाड़ी में ही हैं, उनके साथ उनके बेटे भी हैं। नारायण राणे के एक बयान को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री, चलिए सुनने का प्रयास करते हैं कि पुलिस क्या कह रही है इस समय नारायण राणे से। नारायण राणे को लेकर इस समय पुलिस निकल रही है, उनको हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। 3 उनके खिलाफ अब तक FIR हो चुके हैं। नारायण राणे का एक विवादित बयान था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर। उनका बयान कुछ इस तरह का था कि स्वतंत्रता दिवस की तारीख भी भूल गए, कितने साल हो गए आजादी को ये भी भूल गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और विवादित बयान उनका ये था कि अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक कुछ इस तरह के शब्द की उनको चपत लगा देता। और इसको लेकर शिवसेना बिल्कुल भड़क गई, एक के बाद एक उनके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं। अपने संजय राउत, शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, संजय राउत का बयान भी सुना कि ये किस तरह की भाषा है कि मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दी जा रही है। ताजा जानकारी के लिए मैं साहिल जोशी, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, इस समय हो क्या रहा है, हिरासत में लिया है क्या, अब अगला कदम गिरफ्तारी है? साहिल, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ साहिल बताइए, आवाज आ रही है? आ रही है साहिल। हाँ खड़ा हूं मैं। हम साहिल जोशी से एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीर हम आपको चिपलून से दिखा रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान यह विवादित बयान दिया था नारायण राणे ने, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने। इसको लेकर शिवसेना आग बबूला हो गई, प्रदर्शन सड़कों पर भी चल रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन के साथ साथ प्रदर्शन पुलिस के सामने भी, और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों आपस में भिड़ गए थे कई जगहों पर। इस पर बयान देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को, उनका भी आया। उन्होंने कहा कि वो नारायण राणे के बयान का तो समर्थन नहीं करते, लेकिन नारायण राणे के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है इसका विरोध कर रहे हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, क्या है समय ताजा जानकारी? देखिए, अभी जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक नारायण राणे को उनकी ही गाड़ी में बिठाकर, पुलिस ने अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया, उतना लिहाज किया है, वो कैबिनेट मंत्री है और उन्हें अपनी ही गाड़ी में बिठाकर नासिक ले जाया जाएगा। उनको हिरासत में लिया गया है और नारायण राणे के खिलाफ 4 जगह पर ये FIR दर्ज हुआ था। जो नारायण राणे का कल का स्टेटमेंट था, जो कल महाड़ में जो ये जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, दरअसल नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने के बाद शिवसेना बनाम नारायण राणे ये संघर्ष महाराष्ट्र में दिखाई देने लगा। इससे पहले भी 4 और मंत्री जो अभी अभी मोदी सरकार में उनको लिया गया था, उनको उनकी यात्रा भी यहां पर पहले शुरू हो गई थी, लेकिन तब यह संघर्ष नहीं दिखाई दिया था। नारायण राणे की यात्रा शुरू हो गई, मुंबई से यात्रा शुरू हुई, पहले ही उसमें उन्होंने शिवसेना को टारगेट करना शुरू किया और तब से ही ये संघर्ष पनप रहा था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार उसमें तब आई जब ये पता चला कि नारायण राणे ने ये स्टेटमेंट दिया। उसके बाद शिवसैनिकों ने 4 जगह पर जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की, शिकायत का FIR में तब्दील कर दिया गया और नासिक में ये हम देख रहे हैं कि नासिक में आखिरकार इस FIR के तहत अब ये कार्रवाई की गई है। नासिक के पुलिस कमिश्नर ने इस बात बारे में कहा कि 2 गुटों में संघर्ष पैदा करने की स्थिति कहीं ना कहीं नारायण राणे ने पैदा की और इसके वजह से महाराष्ट्र की लॉयड ऑर्डर की सिचुएशन ना पैदा हो, इसके लिए नारायण राणे को इस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। नारायण राणे की गिरफ्तारी जरूरी है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 3 साल तक ही इसमें सजा हो सकती है, जिसके वजह से गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका यह कहना है कि जो पुलिस अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि वो इस तरीके से ये एक्शन ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में भी बंगाल जैसी स्थिति हमको यहां पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से केंद्र बनाम राज्य का संघर्ष बंगाल में चुनाव के पहले हमने देखा था, उसी तरीके से केंद्र बनाम राज्य का संघर्ष हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी नारायण राणे के बयान से अपने आप को इत्तफाक नहीं रखना चाहती। वो कह रही है कि नारायण राणे के बयान से इत्तफाक नहीं रखते। जी, इसी प्रश्न पर मैं आ रहा था, क्या शिवसेना
नारायण राणे को एक बड़े खतरे के रूप में देखती है, क्योंकि नारायण राणे शिवसेना में रह चुके हैं, रग रग से वाकिफ है किस तरह शिवसेना का ये एक रौद्र रूप सड़कों पर दिखता है, उसके वो रचयिता भी रह चुके हैं। और क्या भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से अपने आप को इस बयान से दूर कर रही है? देखो, ऐसा है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रहेगा और इसको मैं दूसरी तरफ से भी देखना चाहता हूं। देखिए, जब नारायण राणे की केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी नियुक्ति हुई, उनको शामिल कर दिया गया, तब आपको याद होगा तब भी मैंने यह बात कही थी कि नारायण राणे का यूएसपी क्या है। महाराष्ट्र की राजनीति में नारायण राणे का यूएसपी है कि वो उद्धव ठाकरे के दूर विरोधी है। उद्धव ठाकरे का विरोध करके उन्होंने अपनी जगह बनाई है महाराष्ट्र की राजनीति में। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तब तक वो शिवसेना और बालासाहेब ठाकरे के उपकार के वजह से मुख्यमंत्री बने थे, ये बात वो बार बार कहते रहे। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान गई, उन्होंने अपना अपना अलग रुतबा बना लिया, अपना एक अलग ओहदा बना लिया। उसी का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है क्या, ये बात रही। नारायण राणे को भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल किया गया, वो भी इतनी आसान बात नहीं रही। कई लोग भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में नारायण राणे को शामिल करने का विरोध करते रहे, लेकिन भाजपा में एक खेमा ऐसा रहा है कि जिनको लगता है कि मुंबई और कोंकण में जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है, वहां पर अगर शिवसेना को मात देनी है तो नारायण राणे जैसे नेता हमारे साथ होने चाहिए। और इसी को देखते हुए दरअसल ये बात यहां पर की गई थी और इसीलिए नारायण राणे का कहीं ना कहीं को शामिल किया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल में। लेकिन नारायण राणे ने जो बात कही उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डिसोसिएट करना चाहती है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ नारायण राणे जो उनके मंत्री है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री है, वो एक तरफ जो बात कहते हैं उससे वो इत्तफाक नहीं रखना चाहते, लेकिन नारायण राणे के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर वो कहते हैं कि ये कार्रवाई सही नहीं है और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, उसी तरीके की भाषा का प्रयोग ठाकरे परिवार सालों से करता आया है। लेकिन नारायण राणे पर ही कार्रवाई क्यों, ये सवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल उठाया था। क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी यही बयान दे रही है और यही बात उठा भी रही है कि इस तरह की बात तो शिवसेना राज्यपाल के लिए भी कह चुकी है, कटु शब्द वो राज्यपाल के लिए भी इस्तेमाल कर चुके हैं विपक्ष के नेताओं की, अलग क्या कहे। लेकिन ऐसे में नारायण राणे के खिलाफ कार्रवाई, क्या यह प्रयास है शिवसेना की तरफ से कि वो अपने काडर को किसी तरह सड़क पर आने के लिए उत्तेजित करे चुनावों से पहले? साहिल, यह बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है गौरव, क्योंकि अब तक का यह इतिहास रहा है कि क्या मतलब, ये मुझे समझ में नहीं आता कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस कैसे नहीं हुआ कि नारायण राणे जब भी सड़क पर उतरेंगे तब शिवसेना का कैडर और भी ज्यादा सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होता है, और जब शिवसेना का कैडर सड़क पर उतरता है वो शिवसेना के लिए फायदेमंद साबित होता है। पिछले 2 साल से जब से शिवसेना सत्ता में आई है, शिवसेना का कैडर सत्ता से दूर अपने आप को महसूस कर रहा था। जो सत्ता में बैठे हुए लोग वो और कैडर, ये दोनों एक दूसरे का फर्क महसूस कर रहे थे। नारायण राणे की एंट्री के बाद वो कैडर एक बार फिर उत्तेजित हो गया है, नारायण राणे की एंट्री के बाद वो कैडर एक बार फिर जमीन पर उतरना शुरू कर दिया है और एक नई ऊर्जा हम लोग देख सकते हैं। खास करके शिवसेना जैसी पार्टी जो स्ट्रीट पार्टी मानी जाती है, सड़क पर पनपी हुई पार्टी मानी जाती है, और नारायण राणे उनके ही परंपरा में तैयार हुए उनके तरीके से नेता है, जो शिवसेना को भली भांति जानते हैं, उनको उनके ही भाषा में जवाब देना जानते हैं। ऐसे में नारायण राणे को आगे करके अब तक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी बनाम शिवसेना की लड़ाई में उनका नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नारायण राणे की अगुवाई में यह बात हो रही है। जब महाराष्ट्र में फ्लड्स आए थे, बाढ़ आई थी, जी जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग जो बात आपने की, देवेंद्र फडणवीस अपने आप को पीछे कर रहे हैं, नारायण राणे आगे आ रहे हैं, ये स्ट्रीट फाइट की बात। लेकिन अगर हम बंगाल चुनाव की भी बात करें कि ममता बैनर्जी जब सड़क पर उतरी, ममता बैनर्जी के सड़क पर उतरते ही पूरा का पूरा काडर गैल्वनाइज हो गया और उससे ममता बैनर्जी को फायदा हुआ, क्या यही टेम्पलेट अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? साहिल, देखिए, मेरा एक सूत्र है गौरव, जब कभी इस तरीके की घटनाएं होने लगती है तब समझ जाना चाहिए कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र में कौन से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो अगले साल मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, और सिर्फ मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नहीं है,
तो महाराष्ट्र के हर बड़े शहर में महानगर पालिका के चुनाव होंगे। मुंबई महाराष्ट्र की 10 महानगरों में महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे महाराष्ट्र में मिनी विधानसभा कहा जाता है। और बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका शिवसेना के लिए क्या है, यह दोबारा दर्शकों को कहने की जरूरत नहीं है। सालों से दर्शक भी देख रहे हैं कि उनका अगर ऑक्सीजन है शिवसेना का तो बीएमसी में है। 2017 में देवेंद्र फडणवीस ने पुरजोर कोशिश की कि शिवसेना को हम मात दें, उसमें वो काफी हद तक सक्सेस भी उनको मिल पाया, यश मिला, लेकिन शिवसेना के हाथ से सत्ता खींचने में वो कामयाब नहीं हो पाए। इस बार वो कोशिश करना चाहते हैं कि शिवसेना को उनकी ही रणभूमि पर वो मात दे, और ऐसे में एक एक टुकड़ा भारतीय जनता पार्टी शायद जोड़ना चाहती है, और इसीलिए नारायण राणे की कैबिनेट मंत्री के तौर पर एंट्री हुई होगी। लेकिन अब जो है महानगर पालिका चुनाव तक महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरीके से सरगर्मी रहेगी और इसी तरीके से गर्माहट रहेगी, ये बात अब कहने की जरूरत नहीं है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है।